hello everyone welcome to the video lecture series of integrated circuits subject code is kc501 and we were studying linear applications of ic opamp which is unit number 2 in the last lecture we have seen the passive low pass filter फिल्टर so order, order so तो हमें बस ये चीज मैं इस चीज का ध्यान रखना है लो पास फिल्टर, जब ऑर्डर की बात होती है तो ऑर्डर किस चीज से हम इंक्रीज कर सकते हैं सो यू विल सी हम लो पास फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं और एक्टिव कंपोनेंट यूज कर रहे हैं एक्टिव मीन्स वी विल यूज ऑपरेशनल एम्पलीफायर फर्स्ट ऑर्डर डिजाइन करने का मतलब यह है कि हम सिर्फ एक आर और सी कॉम्बिनेशन यूज करेंगे रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जब इस ऑर्डर को हमें इंक्रीज करना होगा लेट अस से अगर हमें सेकंड ऑर्डर फिल्टर डिजाइन करना है तो व्हाट वी विल डू इस आर और सी के कॉम्बिनेशन को हम इंक्रीज कर देंगे दैट मींस देन वी विल यूज टू आर एंड सी दो रेजिस्टर और दो कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को हम यूज करेंगे टू इंक्रीज दी ऑर्डर ऑफ द फिल्टर सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी की फर्स्ट ऑर्डर एक्टिव लो पास फिल्टर की एनालिसिस में क्या करते हैं

Right, so this filter is also known as first order butterworth low pass filter. This is butterworth low pass filter bhi bolte First order butterworth low pass filter is designed using an opamp with resistance R1 and R2 at the inverting terminal of OPAMP. सो so, सबसे पहले इसकी इनवर्टिंग टर्मिनल देखते हैं इसकी इनवर्टिंग टर्मिनल से दो रजिस्टर तो में यूज किया है बी हमने इस नोड को नाम दिया है और इस नोड का पोटेंशियल हमने वी एक्स लिया है राइट आर वन के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है इट इज आई वन आर टू के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है लेटर से इट इज आई टू हमारे पास है एक पर हमने किया है, अब तो ओपैम्प तो हमारा कैसे काम करेगा नॉन इनवर्टिंग की तरह क्यों क्योंकि हमने जो इनपुट दिया है वो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर दिया है देन इट इज कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी रजिस्टर और कैपेसिटर लगा है इस नोड को हमने

लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने का मतलब क्या है वी नीड टू कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं वी नीड टू कि ये जो है हमारा वो आइडियल ओपैम्प है ये हम क्यों क्यूज करते हैं क्योंकि अगर हम ओपैम को आइडियल ओपैम्प मानेंगे तो दैट मींस इस ओपैम्प का गेन बहुत हाई होगा और अगर गेन बहुत ज्यादा हाई होगा तो दैट मींस इनपुट करंट इनपुट करंट टू दिस ओपैम्प विल भी जीरो जो करंट होगा इनपुट वो जीरो हो जाएगा क्योंकि जब ओपैम्प इन आइडियल ओपैम्प होता है तो उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है आइडियल ओपैम्प की अगर इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगी तो जो करंट होगा वो जीरो हो जाएगा बिकॉज व्हेन रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो करंट विल बी जीरो तो यहाँ पर कोई करंट नहीं होगा इस नोड बी से लेके यहाँ तक कोई करंट नहीं होगा दैट मींस जो करंट आई वन के क्रॉस फ्लो कर रहा है वो टूवर्ड्स ओपैम्प नहीं जाएगा वो सीधा आर की तरफ चला जाएगा राइट right? क्योंकि यहाँ पर जो करंट है दैट इज जीरो सिमिलरली यहाँ पर भी करंट जीरो है क्यों क्योंकि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा आई है बिकॉज ओपैम्प हमारा आइडियल है राइट सो वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वो सेम होंगे तो हमने उसे वी से मैंशन किया है तो अब हम नोड ए नोड बी पर के अप्लाई करते हैं

जीरो माइनस वी एक्स अपॉन आर वन इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी नॉट अपॉन आर टू अब यहाँ से इसे हम सॉल्व करके वी नॉट की टर्म्स में इसे कैलकुलेट कर लेंगे इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो वी नॉट की टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आ गई विच इज वन प्लस आर टू अपॉन आर वन इन टू वी एक्स अब हमारे पास इक्वेशन नंबर वन आ गई राइट right? क्स्ट अब हम क्या करते हैं हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अपलाई करेंगे नोट ए पर अब अगर हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल अपलाई किया है नोट ए पर that means at this point, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है नो लेट एस सी दैट इस पॉइंट पर अगर हम वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई कर रहे हैं इसके अक्रॉस आपका एलिमेंट है इट इज के वन अपॉन एस अब ये कैपेसिटर हमें किस में लेना है लैपलेस में लेना है जैसे हमने पैसिव वाले में किया था सिमिलरली सो so, क्योंकि हम लैपलेस टर्म, टर्म्स में ही से कैलकुलेट कर रहे हैं सो इट विल बी वन अपॉन एस अपॉन वन प्लस सॉरी आर प्लस वन अपॉन एस सी वी इन सो सेम चीज मैंने यहाँ लिखी होगी वी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन तो यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया टू को हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे मतलब तो हमारे पास हम मतलब वी नॉट तो आ जाएगा सो so, जब हमने पुट किया तो वी एक्स हमारे पास जो वी नॉट है वो कुछ इस तरह से आ गया और वी एक्स रिमूव हो गया क्योंकि ये टर्म हमारी वी एक्स हो गई अब फाइनली अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो आउटपुट कितना आ रहा है हमें क्या निकालना था वी नीड टू कैलकुलेट दी ट्रांसफर फंक्शन इज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज तो इनपुट वोल्टेज को हम इस साइड ले गए हमारे पास क्या आ गया वी नॉट बाय वी इन इट इज इक्वल टू वन प्लस आर टू अपॉन आर वन इन टू वन अपॉन एस आर सी प्लस वन राइट सो बेसिकली दिस ट्रांसफर फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एल पी एफ नाउ इफ यू कैन कम्पेयर इट विदिव लोपास फिल्टर पैसिव pass फिल्टर की वीडियो में जाके आप इसे कंपेयर करेंगे अगर तो यू विल सी कि पैसिव पास फिल्टर के लिए जो ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास आया था इट वॉज वन अपॉन एस आर सी प्लस वन उसमें ये टर्म नहीं आई थी वन प्लस आर टू बाई आर वन सो बेसिकली जब हम एक्टिव फिल्टर यूज कर रहे हैं तो हमारा जो गेन है सिस्टम का वो इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस और ये कहाँ से आ रहा है वन प्लस आर टू बाई आर वन बेसिकली हमने जो ओप यूज किया है

now let us see the cutoff frequency. again we know that cutoff frequency is one upon R C because we have this transfer function. transfer function में यहाँ par agar hum इसे denote karenge, तो this will be one upon R C. and in the terms of hertz agar nikalte हैं, so it will be one upon two pi R C in hertz. right. now let us calculate the magnitude and phase. अब again वही procedure है magnitude और phase को calculate करने का. magnitude के केस में क्या करेंगे? जहाँ जहाँ हमारा s लिखा है, वहाँ हम j omega put करेंगे. so

सिर्फ जो डिनोमिनेटर टर्म है यहाँ पर हमारा चेंज होगा क्यों क्योंकि तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें एक इमेजनरी टर्म आ रही है तो यहाँ क्या आएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर एंड का रूट तो ये आ गया वन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट सो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर

तो ये तो टर्म कांस्टेंट है इसके लिए तो कोई फेज नहीं होगा फेज इसी के लिए होगा तो वही मेथड है निकालने का टेन इनवर्स वर्स इमेजनरी टर्म यहाँ जीरो है तो इट इज जीरो अपॉन वन और यहाँ पर क्या होगा माइनस टेन इनवर्स वर्स इमेजनरी टर्म क्या है उमेगा आर सी रियल टर्म इज वन सो यही चीज लिखी है हमने यहाँ पर आ गया इन इनवर्स जीरो बाय वन क्योंकि न्यूमरेटर में इमेजनरी टर्म नहीं है सिर्फ रियल टर्म है विच इज वन एंड देन लिखा है हमने माइनस टेन इनवर्स दिस क्यों माइनस क्यों क्योंकि डिनोमिनेटर के लिए वी यूज माइनस साइन

जीरो हो जाएगा राइट सो दिस इज द लो पास फिल्टर राइट ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज विच इज

so that is why i have written over here pass band gain for the active low pass uh, for the passive low pass filter was one but here in the active low pass filter pass band gain is now one plus r2 by r1 right why because now we are using opamp and it has increased the gain factor with uh, r2 by r1 ratio right so now this is one plus r2 by r1 so uh, this is all about first order low pass filter. If you have any query regarding the first order low pass filter, if you have any question, then you can post your question in the comment box. And in the next lecture, we will discuss the second order low pass filter. Till then, thank you so much.